नमो नोये सौरियंताणम नमो नोये सौदानम नमो नोये सौरियान नमो नोये सौजयानम नमो नोये सौत्रिकावती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामद मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिस्ताराय प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन सार नी टीका तत्व प्रदीपिका एनो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। एमां ज्ञान तत्व प्रज्ञापन गाथा 49 માં સ્વાધ્યાય ચાલે છે। આ ગાથા એનો અનિવાર ટીકા ભાવાર્થ અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામી આપેલ પ્રવચનનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે, આજે શેષ ભાગ લઈએ છીએ। મૂળ ગાથામાં તો એ વાત આવી કે અનંત પર્યાયવાળા એક દ્રવ્યને એટલે આત્મદ્રવ્યને તથા અનંત દ્રવ્ય સમૂહને એક સાથે એક જ જાણતો નથી तो ते पुरुष सर्व ने एटले के अनंत द्रव्य समूह ने कई रीते जाणी सके एटले के न ज जाणी सके। एटले कहेवानो आशय एवो छे के एक एटले के आत्म द्रव्य ने जे जाणे छे ते सर्व ने जाणे छे। 48 मी गाथा में सर्व ने जाणे छे ते एक ने जाणे छे रीते वात हती, एटले के सर्व ने जो जाणतो नथी तो एक ने पण जाणतो नथी ए रीते 48 मी गाथा में वात हती। अहीं एक ने जे जाने छे एटले आत्मद्रव्य ने जे जाने छे ते ज सर्वने जाणी सके। तो अगळनो विस्तार आपणे लईए छीए। प्रवचन सुधा भाग बीजो पाना नंबर 416। अहींया बीजा पेरेग्राफमां गुरुदेव फरीथी आखी वातने समजावता कहे छे। हरिने कि अब इसमें ऐसा निश्चित होता है कि सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान आ एक शब्द में अंदर पास है कि सर्व ने जाने थी आत्मा ने जाने केम कि आत्मा की विशेष पर्याय में लोकालोक जाने ऐसा स्वभाव है तो इस ज्ञान स्वभाव हुआ तो पूर्ण को जाना एने आत्मा ने जाने त्यारे के अने एक आत्मा को जे जाने दो शब्द है और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान आत्मा का ज्ञान से क्योंकि आत्मा ज्ञान की पर्याय में सर्व को जाने ऐसा आ गया तो आत्मा का ज्ञान ही सर्व को ज्ञान अने सर्व का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान आऊं से त्यारे के अल्पज्ञ प्राणी जी सदमस्त है उसको पूर्ण ज्ञान ऐसा तो है नहीं प्रत्यक्ष केवल को ऐसा है तो ये आत्मा आत्मा पूर्ण जाने तो आत्मा अने पूर्ण जाने बिना आत्मा नहीं तो आत्मा में ध्यान नहीं छीते क्या करेगा वहां समझाए त्यारे कहते हैं सुन तो सही भगवान आत्मा ज्ञानानंद प्रभु उसका आश्रय लेकर जो ज्ञान हुआ भावश्रुत हो ये भावश्रुत ज्ञान है उसमें मनन से अनुमान से कि मैं आ ज्ञान की पर्याय इतनी है मैं परोक्षरीति जानता हूं तो कोई को ज्ञान की पर्याय प्रत्यक्ष है ऐसा ज्ञान करके व्याप्ति नाम शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान का भाव आ गया आऊंगे प्रश्न ऐसा हुआ कि तुम्हें एम कहो कि सर्व का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान तो ये तो ठीक पर नीचे सर्व का ज्ञान है नहीं सदमस को तो ये आत्मा का ज्ञान आत्मा है ऐसा सर्व का ज्ञान है नहीं तो आत्मा है उसको है ही नहीं तो आत्मा है नहीं तो आत्मा का ज्ञान से क्या करें समझ में आया हाँ 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 सुन तो सही प्रभु
ही प्रत्यक्ष परोक्ष में फिर है। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, तरण काम तरणों शोध ज्ञानी परोक्ष जानते हैं। परोक्ष में इस केवल ज्ञान कैसा है, अंश जो है शोध ज्ञान एक अवयव है, ये अवयवी किसका द्रविणी आचार्य बात नहीं। केवल ज्ञान अवयवी है, उसका शुद्ध ज्ञान अवयव है। तो जेम एक थंब को एक हिसाब लिखकर सारा थंब ऐसा है ऐसा जान देते हैं, ऐसे शुद्ध ज्ञान अवयव में आस अवयव ऐसा है तो उसका पूर्ण अवयव ऐसा है, ऐसा शुद्ध ज्ञान में प्राण केवल ज्ञान का ज्ञान आ जाता। अरे अरे अभी बहुत कुछ है, वितराग मार्ग बहुत सूक्ष्म छो भाई। क्रियाकांड में मनाई गयो दया ने व्रत पारे तपसा कर धर्म हो गया, तो राग ज्ञान धर्म क्या था। समझ में आया, भगवान आत्मा पूर्ण जाने एनु रूप ज पूर्ण जाने एवी ताकत छे, पूर्ण स्वरूप जगत मां छे एने जाणवानु पूर्ण जाणे पूर्ण एवं जे एनु स्वरूप छे, पर्यायनु एवं स्वरूप छे। तो ई सर्वने जाण्यो एने आत्माने जाण्यो के आत्मा एवडो छे। एवडा क्या कहते इतना है दिगंबर संतोनी वाणी अलौकिक है, ये क्या है बीजे क्या है नहीं। श्वेतांबर में बड़ा गड़बड़ है, एक पहले समय केवल ज्ञान है बीजे समय केवल दर्शन है, ये बधु गम। आ तो संतो दिगंबर संत भगवान केवल ज्ञानी ने अनुसार कर्म कहने रहे, ये बात बीजे क्या नहीं। आ एम ये कह केवल ज्ञान एक समय बीजे समय दर्शन बीजे समय दर्शन एट आखा भाग में अर्धो काल नु ज्ञान अर्धा मन अखंड ज्ञान नु हो। तो एक समय में पूर्ण ज्ञान ने पूर्ण दर्शन, ये ज्ञान दर्शन में लोकालोक जानने में आता है, क्योंकि विशेष है सामान्य में से प्रकट हुआ विशेष, विशेष में जितना जगत में पदार्थ है ये सब विशेष में जानने में आता है। त्यारे तो विशेष की पर्याय कहने में आती है, लोका लोग जाने ये भी पर्याय है, तो ये पर्याय को विशेष ज्ञान कहने में आता है। यानी ये विशेष ज्ञान है ऐसा जाना, यानी सर्व ने जाना, सर्व ने जाने विशेष तो ये कहने जाने एम से न भाई संस्कृत टीका में एम से महासम एक भाव सर्वभाव स्वभाव सर्वभाव एक भाव स्वभाव एको भाव तत्व तो एन बुध सर्वे भाव तत्व एन बुधा संस्कृत है जैसा आचार में जेने एक भाव पण यथार्थ जाना। आ द्रव का एक समय की पर्याय का एक भाव पण यथार्थ जाना, एगो भाव सर्वभाव स्वभाव उसने सर्वभाव जाना। संस्कृति का है जैसा आचार्य की एको भाव सर्वभाव स्वभाव सर्वभाव स्वभाव सर्वभाव एक भाव स्वभाव सर्वभाव एक भाव स्वभाव एको भाव तत्व तो एन बुध जेने एक समय की पर्याय तत्व से बराबर जानी। सर्वे भाव तत्व एन बुधा तो सर्वे भाव तत्व ज्ञान में जानी बीधा ध्यान में आ गया। सूक्ष्म है बड़ी हिंदी आ जाए मुझे समझ में आया आंखों का मेरा।
सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान, आप पहला प्रश्न चाले सा बता। एक समय ना ज्ञान में पर्याय छे, एक समय की केवल ज्ञान पर्याय है ने, केवल ज्ञान गुण नहीं, गुण तो ज्ञान टिकाव, आत्मा जेम टिकावी छे तेम ज्ञान गुण टिकाव, अने पर्याय केवल ज्ञान मति शुद्ध अवधि ये बधी पर्याय छे, गुण की ज्ञान गुण की अवस्था है पर्याय है। तो कहते हैं कि जिसकी एक पर्याय में सर्व अभी ज्ञान तो सर्व ने जाण्यू एने एक ने जाण्यू, जो आ सर्व ने आ रीते जाण्यू तो एक ने जाण्यू, समझ में आया। त्यारे शिष्य नो प्रश्न थयो, पण आत्मा बधुं सर्व सदमस्ता तो है नहीं, तो सदमस्ता ने है नहीं, तो आ केवल ज्ञान की उत्पत्ति थवानो उपाय सी रीते एनी पास लागू पड़े, शू कहू हम जाणू। हा एक एक शब्द में बहुत गंभीरता भरी से शिष्यों ये प्रश्न है, प्रभु आप कहते हैं को सबको हो जाने एक को जाने, तो केवल ज्ञान की पर्याय में सर्व को जाना, तो जाना तो इन्हें आत्मा ने जाने, तो सर्व का ज्ञान जिसके नहीं उसका आत्मा का ज्ञान नहीं, ना आत्मा का ज्ञान नहीं तो आत्मा कितना है ये खबर नहीं, तो कितना ही विनिमय ध्यान किसका करेगा, समझ में आया। ओ गया बता घी अन बता धंधा बंधन क्या वहां जुदी आखी से दुनिया थी आखी जुदी जात से। परमात्मा नो पुकार छे सर्वज्ञनी दिवधनी, ओम का दिवधनी सुनी अर्थ गणधर विचारे, ये आ शास्त्र छे। भगवान कुनकुंदाचार्य जी थे त्यांथी बनाया। एम कहते हैं सुन तो सही प्रभु, हमें एम कहा कि सर्व को जाने या आत्मा को जाने, तो सर्व को जाने इस क्योंकि पर्याय में सर्व जाने का स्वभाव है, वो कारण से सर्व को जाने या आत्मा ना जाए, कि आत्मा जी बड़ो ऐसा इतना है, ये हजी तो सर्व को जाने आत्मा जाने ये बात चलती है। समझ में आया, सूट की नजर जुड़ू पड़े हुए बनू। हाँ क्या किया, क्या भगवान आत्मा जो है अंदर उसका ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानमय है, ज्ञान वाला ही नहीं ज्ञानमय है, एक तो ज्ञानमय, बीजी रीते कहिए सर्वज्ञ ज्ञानमय है, आत्मा है सर्वज्ञ ज्ञानमय है, नित्य तू सर्वज्ञ ज्ञान ज्ञ स्वाभाविक हो क्या सर्वज्ञ स्वाभाविक हो, ये आत्मा जो है सर्वज्ञ स्वभावी है, तो सर्वज्ञ स्वभाव जो है तो सामान्य हुआ, ये सर्वज्ञ स्वभाव में से विशेषपणा सर्वज्ञ जो प्रकट होता है, ये विशेष में लुकालुक का ज्ञान होता है, लुकालुक का ज्ञान होता है तो इतना तो सर्व ने जाण्यू ये आत्मा ने जाण्यू बधु पूर्ण रूप से एनु आ जाण्यू ने आत्मा ने जाण्यू। आई बात से दया पालो नीचा मी पड़ी मिल जाए भाई हरि जाओ कहीं। सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान, बीजी रीते कहिए तो जी आत्मा में एक अकार्य कारण नामनो गुण है, अकार्य कारण नामनो आत्मा में गुण है, एम ज्ञान गुण है ऐसा अकार्य कारण नाम का गुण है, तो ये गुण की परिपूर्णता अपने से उत्पन्न हुई है, एक कोई कारण से है पर का कारण से है ऐसा ही नहीं। ये परिपूर्णता ज्ञान का स्वभाव स्वतः अपने से उत्पन्न हुआ है, तो ये पूर्ण हुआ इतना ही तो आत्मा है,
कारण कि आत्मिक स्वरूप जो अनुभव है एट्लो पर्याय एट्लो आत्मा है। जी इसने सर्व को न जाना एने एक ने न जाना, सर्व को जाना एने एक जाना। तो छदमस्त को तो सर्व का ज्ञान है नहीं, हम शीर्ष का प्रश्न आया, समझ में आया कि छदमस्त को भी है। सुन जयचंद पंड आचार्य में तो दीदा है, अवयवी का अवयव ज्ञान है, अवयव से सारा अवयव का ज्ञान उसमें है, समझ में आया। एक हाथ है अवयव है, सारा आत्मा सारा शरीर अवयवी है, सारा शरीर अवयवी है, हाथ पग अवयव है। तो एक को जाना तो जिसका ये अवयव है उसको भी जाना, समझ में आया। हाँ हा हा हा, एम भगवान आत्मा अंतर्मुख होकर सम्यक ज्ञान प्रकट किया, सम्यक दर्शन न सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान है, समझ में आया। हाँ ये पण खुलासो थी गया, एम शुद्ध शब्द आया है तो एने शुद्ध शब्द की उपाधि है कुछ शुद्ध ज्ञान में कि ना ना, ये तो शुद्ध शास्त्र भगवान सर्वज्ञ जो है ये श्रुति ज्ञान द्वारा उपदेश करते हैं, केवल ज्ञान द्वारा नहीं। क्या किया केवल ज्ञान ही है, उपदेश श्रुति ज्ञान द्वारा करते कैम के सुनने वाले को ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान, तो उसमें अनिमित है तो यही शुद्ध ज्ञान द्वारा खत्म करते हैं। तो आने तो नीचे शुद्ध ज्ञान जो है केवल ज्ञानी शुद्ध ज्ञान द्वारा कथन करते हैं, शुद्ध ज्ञान नीचे है ये केवल ज्ञान को जानते हैं। आऊं छे एवं बेटा दी हमले तो कहीं समझे हूं कहीं सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान। हा 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 पहला सर्व के ज्ञान तो हरे आत्मा के ज्ञान सर्व का ज्ञान, अने जिसने आत्मा जाना ये ज्ञानमय आनंदमय अनंत गुणमय, तो उसकी पर्याय में केवल ज्ञान होगा ऐसा वर्तमान में जान लेते हैं, समझ में आया। केवल ज्ञान है ये तो जानते हैं, पर केवल ज्ञान सर्व ज्ञान में जानना, शुद्ध ज्ञान में सर्व वस्तु सारी जानी की जानी, तो उसमें एक सारा आत्मा का ज्ञान आ गया। तो आत्मा जाना है उसे सर्व जानते हैं कि पर्याय में सर्व आए तो आत्मा जाने सर्व जाने। हा हा ऐसा होने से आत्मा ज्ञानमयता के कारण, देखो आत्मा तो ज्ञानमय है, उसमें कोई राग द्वेष पुण्य पाप विकल्प उसमें है ही नहीं, ये नव तत्व है ना, तो पुण्य पाप आश्रव तत्व बंध तत्व भिन्न है, ज्ञायिक तत्व भिन्न है। ज्ञायिक तत्व का ऐसा आत्मा का ज्ञानमयता के कारण ये ज्ञानमय है, चैतन्य पुंज है, भगवान चैतन्य पुंज है। करता करना है पहली गाथा में कि आत्मा ने ज्ञान तदात्म संबंध है, तदात्म अग्नि ने उष्णता, अग्नि ने उष्णता तद्रूप तदात्म संबंध है, एम भगवान आत्मा अने ज्ञान स्वभाव तदात्म संबंध है। आवी बात समझ में आया, अने पुण्य ने पाप का भाव संयोगी भाव है, ज्ञानमय भाव तदात्म संबंध है दृढ़ साथी,
पुण्य पाप ना भाव दयादान व्रत भक्ति आदि विकल्प संयोगी भाव है, स्वभाव भाव नहीं। स्वभाव भाव तो ज्ञानमय आनंदमय थी एक स्वभाव है। आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वसंचेतक होने से क्या कहते हैं, पूति अपना अनुभव करने से संस्थेतक सम्यक प्रकार सचेतक पोताना जो अनुभव वस्तु है तेमां चेतन अनुभव आया। ज्ञानमयता के कारण ज्ञानमय का वेदन हुआ। विशेष क्वेश्चन है, संचेतन होने से ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु से अन्यत्व होने पर आगल रही है बात। ये ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जाना है तो कहते हैं कि ज्ञान की विशेष दशा हुई, तो विशेष दशा में लोकालोक जाने में आया तो पीछे ज्ञाता ने ज्ञेय का वस्तु से अन्यत्व होने पर भी ज्ञाता नाम जानने वाला भगवान अने ज्ञेय अन्य एम अन्यत्व होने पर भी प्रतिभास और प्रतिभास मान कर प्रतिभास अने प्रतिभास मान अपनी अवस्था में अन्योन मिलन होने से जानने लायक ने जाना ही बधु अपनी पर्याय में हुआ। जानने लायक ने जाना ही अपनी पर्याय में वर्द हुई। ऐसा आत्मा ज्ञान कारण ज्ञाता ने यही वस्तु से अन्यत्व होने पर अंधेरा होने पर भी प्रतिभास में प्रतिभास मान अपनी अवस्था में अन्योन मिलन होने से एक ज्ञेय का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान के साथ मिलन हुआ। उसमें जो ज्ञेय का जी ज्ञान है एक ज्ञान उन्हें अपना ज्ञान बताइए हुआ, उसमें से अन्य का ज्ञान उसमें निकाल दे ऐसी चीज है नहीं। आ तो लॉजिक से बात है भाई, जीनी बात है। क्या कहते हैं, भगवान ज्ञान सामान्य, उसकी अवस्था विशेष, एमा लोकालोक जनाना ही तो विशेष अवस्था है उसकी। समझ में आया, तो उसकी अवस्था में जी लोकालोक अन्य है जनाया तो ये अपेक्षा भले न हो, पर ये अन्य है उसका यहाँ ज्ञान हुआ है तो ज्ञान में अन्य तो नहीं रहा। समझ में आया, भगवान ज्ञान पर्याय में लोकालोक जाए जनाया तो पूर्ण पर्याय जानी, ये पूर्ण जानी तो उसमें ये आया कि जी ज्ञेय है ये उसमें आया नहीं, पहले ऐसा कहा ज्ञेय अनभिन्न है, तो अब ये ज्ञेय का जितने ज्ञेय का स्वरूप है ऐसा अपना ज्ञान में जानने में आया तो ज्ञान में अन्यत्व भी आ गया। ज्ञान ये कह के बेने भीन करवा सके हम कहते हैं। है अन्योन मिलन होने से, अन्योन मिलन होने से क्योंकि ज्ञान का ज्ञान ने ज्ञेय का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान ने ज्ञेय का ज्ञान अन्योन मिलन पर्याय में है। सुनवाई आऊ से डॉक्टर भक्तों को तो इंजीनियर से बात सब हट हो तुम आके इंजेक्शन तो मारो है, इंजेक्शन तो मारो माता जी से इंजेक्शन तो हाथ से प्रभु तो ने बनाओ का इंजेक्शन बेशुद्ध शुद्ध बनाओ बनाए ना। बहु शांति नो काम से प्रभु, देह तो जड़ माटी है, माटी मृतक करो रहे मुर्दा है,
भगवान तो अमृत रूप विज्ञान गण है, आत्मा भगवान ही तो नहीं, आत्मा को भगवान कहते हैं। मोती का सभा भगवान का है आचार्य, भगवान आत्मा भोग राम आनंद ज्ञान आनंद अनंत आनंद नहीं भोग लक्ष्मी भोग नर्थ लक्ष्मी साहब अपना अनंत ज्ञान आदि नहीं लक्ष्मी वाण एना रूप है, ते ज्ञानमय है अनंत गुणमय है। आ तो ज्ञान नहीं प्रधान पति बात करी सर, ए ज्ञानमयता के कारण स्वस्वंत होने से पोता नो पोता ने अनुभव होने से ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अनंत होने पर भी जानने वाला ज्ञान अने जानावे वाला अन्य ये रीति अन्य होने पर भी प्रतिभास ने प्रतिभास मान ये पर्याय प्रतिभास ने प्रतिभास मान ये पोता पर्याय है। शू कहू समझाय से क्या पर्याय प्रतिभास पर्याय प्रतिभाष युग पोते पोते बधु तो जे कई प्रतिभास भक्त नो आई जाना पोता पर्याय है जाणु ये पोता योग्यता से समझाय से क्या ये कारण ज्ञान की अवस्था में परस्पर मिश्रित एक मेक रूप होने से ज्ञेय ने जाणु ज्ञान ज्ञेय ने जाणु ज्ञान से ज्ञेय नहीं ज्ञान इतने जी ज्ञान में प्रतिभास परनो थतो पण ई प्रतिभास पूर्ति थयो अने प्रतिभास मान पण पूर्ति थयो। उन्हें भिन्न करना अत्यंत शिकों ने देखो क्या किया आत्मा नो ज्ञान पर्याय में पूर्ण ज्ञेय है जानने में आया है तो ये ज्ञेय का ज्ञान आत्मा में से भिन्न करना अशक है इतने ये ज्ञेय है ज्ञेय का ज्ञान ही ज्ञेय है अपना पर का ज्ञेय था या ज्ञान हुआ तो अपना ज्ञेय हुआ गया। हा 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 समाज में अलग ही बात हम जानो क्या हा परस्पर एक में उन्हें भिन्न करना अशक अत्यंत अशक होने से अरीसा ना अरीसा सीसा जो बाई चीज है इतना प्रतिबिंब पड़ती है दिखे अब ये प्रतिबिंब है ये कहे तो उसका प्रतिबिंब है पर खरेखर तो ये अरीसा की अवस्था इतनी है अरीसा की इतनी अवस्था है कि जिस प्रतिबिंब को पति अपने में स्वच्छता नहीं जानते हैं एम भगवान ज्ञान पर्याय में अन्य अनंत है ये अन्य को ज्ञान की पर्याय की ताकत है कि उसे जानते हैं तो पछी अन्य उसका जो ज्ञान हुआ ये ज्ञेय का ज्ञान कहकर अपना भी ज्ञान है ज्ञेय का ज्ञान दो को दुष्ट भिन्न करना सके आपको भाई उसको मारा गया उस बापू ध्यान रखे तो समझाई मुझे ख्याल में तो बात लावी जावे आवी जो ने ना ये जुदू पर ज्ञेय नो जो ज्ञान है ये ज्ञेय करके एने जुदा पड़वा सके ज्ञेय नु ज्ञान आत्मा नु ज्ञान बे थी ने ज्ञान है एम ज्ञेय नु ज्ञान जुदू पड़व अशक्त है आओ मारे उन्हें तो क्या व्रत करो अप्पा करो यात्रा करो हाँ तो बड़ी रागनी क्रिया हम बने हा भगवान आत्मा एकलो ज्ञाता दृष्टा
क्रमबद्धनी पर्याय में पण वो है, जो समय जो पर्याय होने वाली है होगी, उसका अर्थ कि क्रमबद्धनी पर्याय में करने वाला मैं हूं ये उड़ जाता है, अकर्ता होता है। अकर्ता होता है तो अस्थि से अस्थि से ज्ञाता दृष्टा हो गया, बस। समझ में आया? अकर्ता पर्याय करवी नहीं, ये अकर्ता ज्ञाता दृष्टा क्रमबद्ध में आ आया। अहिया पण केवल ज्ञान भी क्रम सर होती, एक समय 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 भिन्न भिन्न भिन्न। तो ये समय का एक समय का ज्ञान सब जगत का तरण का अवतरण लोग आ गया। हमें उसका ज्ञान अपना ज्ञान दो एक ही है, इसलिए जाने कि ज्ञेय हम आ गया, ज्ञेय का ज्ञान हुआ तो ज्ञेय आ गया। अरे सर बस नहीं खत्म बहु आवे तो आम तो भाई एक हाने भिन्न करना सको न, मानो तब जब सब कुछ आत्मा में प्रविष्ट हो गया। हा खोद कर भीतर गहरा उतर गया हुआ, भीतर प्रवेश हुआ ज्ञान में, लोग का लोग प्रवेश किया, जाने उसका ज्ञान हुआ ने प्रवेश किया। हा केवल ज्ञान की एक व्याख्या आती क्या ये शुद्ध ज्ञान द्वारा जाना है। शुद्ध ज्ञान में भी इतनी ताकत है कि केवल ज्ञान पूर्ण अवयव है, शुद्ध ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ तो ये पर्याय भी अवयव उसका है, तो अवयव जाना उसने अवयवी पूर्ण ज्ञान ऐसा ही जाना, ये अनुमान से व्याप्ति होगी। समझ में आया? अनुमान में व्याप्ति नहीं, कोई भी सौपड़ा मयू न हो, पैसे ज्यादा आयु नहीं अत्य। हा ज्ञान का उपदेश होता है, शुद्ध ज्ञान का उपदेश होता है, केवल ज्ञान का नहीं। डबल में ऐसा है शुद्ध का उपदेश होता है, क्योंकि सुनने वाला को शुद्ध होता है। ये क्या रुकेंगे उसको, वाणी है ना, वाणी है ना, वाणी इतने शुद्ध वाणी शुद्ध में अने शुद्ध सुनने वाले को शुद्ध ज्ञान में निमित है, सामे शुद्ध ज्ञान होता है ना, तो अहिया वाणी को भी शुद्ध कहा कि वाणी निमित हुई अने शुद्ध ज्ञान हुआ, तो वाणी ज शुद्ध ज्ञान है बने निमित्त तरीके, और वाणी शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान द्वारा जनो उपदेश परमात्मा ना आवे। केवल ज्ञान नो उपदेश वाणी में सी थी, वाणी तो शुद्ध ज्ञान द्वारा ही अनुभव मुक्त हो पाए। वाणी में तो स्वदशान से ऊपर ज्ञान होता है, गंधर्व द्वादशान कितना ही ग्रहण करते हैं। अरे बद्धू क्या बात है, सुनने वाला शुद्ध ज्ञानी को भी सब ख्याल आ जाता है, शुद्ध ज्ञान द्वारा कहा नहीं, शुद्ध ज्ञान में भी पूर्ण का जानना अनुमान व्याप्ति से क्या इतना है तो पूर्ण इतना है, ऐसा ज्ञान आ जाता है। अगली बात है, कुछ आत्मा में निखार प्रवेश हो गया, जाने सब ज्ञेय का ज्ञान हुआ तो ज्ञेय जने ज्ञान में आ गया। हा
इस प्रकार प्रतिभासित होता है। जो पर्याय में प्रतिभासित अपनी पर्याय होती है तो ये सब आ गया अंदर प्रवेश। ज्ञात होता है प्रति ज्ञात होता है। आत्मा ज्ञानमय होने से यह अपने को अनुभव करता है, अपने को जानता है और अपने को जानने पर समस्त जिन्हें ऐसे ज्ञात होते हैं, समस्त ज्ञान ऐसे ज्ञान होते हैं मानो भी ज्ञान में तीती हो। ज्ञान में ज्ञे कुतर गया हो, डूब गया हो। यूं बैठा है गुस्से में। ज्ञान की पर्याय में लोग ज्ञेय का ज्ञान हुआ तो जाने है ज्ञेय पर नहीं ज्ञान पर भी नहीं चते उसका ज्ञान हुआ तो जाने ज्ञेय का ज्ञान में ज्ञान कोई भिन्न नहीं। वो चीज भिन्न बन रही पर उस संबंधी जैसा उस संबंधी का ज्ञान ये अपना ज्ञान में आ गया तो ये उसको ज्ञेय उसका ज्ञान में अपना ज्ञान को भिन्न पाड़ना अशक है। गुणों विषय गुणों आत्मा ज्ञानमय होने से यह अपने को अनुभव करता है, जानता है अपने को, जानता है अंतर और अपने को न जानने पर समस्त गए ऐसे ज्ञात होते हैं मानो ये ज्ञान में स्थिति हो, ज्ञान में ही जाने ज्ञे स्थित हो। प्रतिभास माथी पोते प्रतिभा से जो बचे पोतानी ज्ञान पर्याय जाने ने ज्ञान जनाय पर्याय जाने ने पर्याय जाने। पर्याय में संप्रदान कई पर्याय आई तो लेने पर्याय लेने वाला ये न देने वाला ये अग्नि का ज्ञान हुआ ये ज्ञान की पर्याय अपने में रखी अने अपने को दिया संप्रदान षटकार है नहीं। जो केवल ज्ञान है सूक्ष्म है भाई भगवान ये षटकार रूप है पुरुष है केवल ज्ञानों की केवल ज्ञान कर्ता केवल ज्ञान कर्म कार्य केवल ज्ञान कर्ण साधन केवल ज्ञान संप्रदान पोते राख्यू केवल ज्ञान अपादान केवल ज्ञान केवल ज्ञान थी हुआ और आधार ज्ञान ज्ञान का आधार है। नियम बहु बापू एम शुद्ध ज्ञान ये हुआ ये पर सटकार से हुआ ये पर का ज्ञान यह हुआ आपका क्या ज्ञान ये पर्याय है तो ये पर्याय सटकार से प्रणित होती है। ज्ञान भगवान आत्मा जहां जानने में आया तो कैसे उसका जानने का पूर्ण स्वभाव साथ में आ गया ज्ञाने उसका पूर्ण स्वभाव का जो ज्ञान है उसको भिन्न करना अशक्य वस्तु ही प्रतिभाषण प्रतिभाष मय पर्याय अपनी है प्रतिभाष एना हुआ है नहीं आई तो अहिया हुआ। वाणिया ने नवराश्रम लेने अभी बात हूँ इतिहासकार जापान में इतिहासकार बोलो बहु इतिहासकार जूनो अद्वैत वर्षों मनाय के जैन धर्म अनुभूति मात्र है अनुभूति जैन धर्म एम निकाला है ऐतिहासिक है पूरा जूनो जैन धर्म ये अनुभूति है बात तो अच्छी बारंग में अनुभूति कहा है
भगवान आत्मा का अनुभव करो, आ करो ते करो, ये वस्तु मैंने ठीक करा, पर उसमें ऐसा दिया थोड़ा पैसा, पर ये जैन धर्म वाणिया को आ था वाणिया, अने वाणिया ने नवराज ने मैं निर्णय करो ए हसु भाई तुम्हारी ने आवड़े मस्करी करी थे अनुभूति भगवान पूर्णानंद नो नाथ एने अनुसरी ने वेदन आप अनुभव थो सम्यक दर्शन ये अनुभूति थी जैन शासन थे कोई दयादान हरता थी राग ये कहीं जैन धर्म नहीं के तो विचार से ज्ञान राग हवे उसका ज्ञान ये ज्ञान उसका है राग उसका नहीं हा निर्णय करवा वक्त जुए अंदर मा अंतर मा घर बेसवी जुए हा हा घर क्या कहते बीजा बीजा नु कई कर सकता नहीं घर इतने जम जाना ये बराबर अपने पर्याय में जम जाना तो उसमें लोकालोक का ज्ञान भी आया अपना ज्ञान आया ये ज्ञान में जाने ज्ञेय प्रवेश हो गया ज्ञान में जाने ज्ञेय कुतरा गया ऐसा ही दिखते हैं कि दिगंबर आचार्य ने वाणी केवली ना केड़ाए तो थे केवली नो केड़ाए था वाणी बीजे क्या छे नहीं आत्मा ज्ञानमय होने से अपने को अनुभव करता है अपने को जानता है और अपने को जानने पर समझ गए ऐसे ज्ञात होते हैं मानो ज्ञान में स्थित हो गया है हा 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 क्योंकि ज्ञान की अवस्था में से ज्ञान की दिशा में से ज्ञाकारों को भिन्न करना अशक है सर्वगत्थे मैं प्रवेश कर पहला आई गया सर्वगत्थे नहीं ज्ञान सर्व नहीं जाने से नहीं जाने एक ज्ञान थे उसका जीत में जैसा ज्ञान नहीं है ये प्रमाण ज्ञान हो गया जैसा द्रव गुण है ऐसा पर्याय में ज्ञान हुआ और जैसा लोकालोक है ऐसा ये प्रकार का ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान ज्ञेय जाने आ गया उसका ज्ञान आया तो ज्ञेय आ गया एम कहने ना पाए है यदि ऐसा न हो तो यदि आत्मा सबको न जानता हो तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्मा संजन का भाव आ भगवान आत्मा पूर्ण 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 न जाने तो ये आत्मा का संचेतन का अभाव गया क्योंकि पूर्ण ने जाने ऐसा आत्मा है तो यहां न हो तो अपना पूर्ण आत्मा का वेदन किया ही नहीं पूर्ण आत्मा का उसने जानना हुआ ही नहीं परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध न हुआ ज्ञान के परिपूर्ण आत्मा संचन का अभाव न हुआ एक आत्मा इसी एक पर्याय में तरण का तरण लोक का जाने ऐसा आत्मा है तो जिन्हें ऐसा न हो तो सबको न जानता हो तो जीव के परिपूर्ण आत्मा आत्मा का पूर्ण रूप है सबको जानना ये आया नहीं ये आया नहीं तो आत्मा का ध्यान कर सकते नहीं अवश्य परिपूर्णात्म से आत्मा का पूर्ण रूप है सबको जानना ऐसी आत्मा का पूर्ण रूप है तो पूर्ण रूप का तो अभाव होने से परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध न हो परिपूर्ण भगवान आत्मा ज्ञान का पर्याय में अपना लोकालोक को जानना अपने से ऐसा स्वभाव है
ऐसा जो न जाए सबको, तो आत्मा को ही न जाए, कारण आत्मा इतना है। जीणु से आऊ भाई शेठाया तारा चाहते थी हुक्मी चंदी इंदौर इंदौर हुक्मी चंदी ने आ पंडित केवा बंशीधर जी के लिए आंतर मचा गाता चाहती एक निशाब से ठीक पड़ते न तो लोगों तोड़ी चाहती थी नी समय सारी चाहती दे समय सारी चाहती थी नही चाहती तीदी के पची है बीजी वाले त्रेन वाले हा हा जेने एक समय पर्याय अपना पूर्ण रूप पूर्ण जानना ही अपना पूर्ण रूप है तो पूर्ण रूप को जाना नहीं देने आत्मा जाना नहीं। हा हा गला खुला सुधीर सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान खुला सुधीर हा एक आत्मा का ज्ञान से सर्व का ज्ञान क्योंकि आत्मा की पर्याय में इतनी सर्व की जानने की तार का इतना आत्मा है तो इतना आत्मा को जाना यानी सर्व जाना देव विशेष कैसे ओगन पचास कथन भाव अड़तालीस ने ओगन पचास ने गाथा में एम दर्शायू कि जेने सर्व ने जानतो नहीं ये अड़तालीस सर्व ने जानतो नहीं एक ने जानतो नहीं केम के आत्मा नु ज्ञान स्वरूप पूर्ण लोकालोक ने जाने समान ज्ञान की विशेष दिशा थाय एमा लोकालोक ना द्रव्य पर्याय निमित्त एक नु विशेष ज्ञान प्रण में अत्यारे आत्मा पूरो थयो कहवाय। हा हा માટે કે છે કે જેણે સર્વને જાણતો નથી સર્વ આવી ગયો જ આત્મા એક સમયની પર્યાયમાં જાણનાર કોને ન જાણે બાળનાર અગ્નિ કોને ન બાળે એવો જ કોઈ જ્ઞાન સ્વભાવ છે આત્માનો કે લોકાલોકને એક સમયમાં એને અડ્યા વિના એની હયાતી ને લઈને નહીં પોતાની હયાતી જ એટલી એટલી છે તો એક જેને સર્વ ન જાણ્યું છે સર્વ પર્યાયનું પૂર્ણપણું છે સર્વ ન જાણ્યું એને એક ન જાણી એક આત્મા પોતે જ એવડો છે જીણું બહુ આવું અને પોતાને અને જે પોતાને જાણતો નથી એ બીજો બોલ તે સર્વને જાણતો નથી કારણ પોતે જેટલો છે એક કોર લોકા લોક અને એક કોર એક સમય ની કેવળ નાની પર્યાય કેવળ જ્ઞાનને બહુ સ્પષ્ટ કર્યું છે લોકોને એમાં વાંધા ઘણા નહીં છે ને આ ક્રમબદ્ધ એવું ત્યાં વાંધા ઉઠાવે કેટલાક કે ત્યારે કેવું જ્ઞાનમાં આવું કમ દેખાય જે નથી દેખાય તો થઈ રહ્યું તો એમાં કેમ વાંધા ઉઠાવે જઈને તો તમે સમજો કે કેવું જ્ઞાની માનનારા પણ આ ક્રમબદ્ધ આવતા હલમલી ગયા છે પણ ક્રમબદ્ધમાં પણ એ છે જે સમય સમય પર્યાય પડતી એમાં કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય જયારે સમય ક્રમમાં આવી ત્યારે એ પર્યાય બધા લોકા લોકને જાણે છે એક સમયની પર્યાય છે માટે
त्रण काल त्रण लोक ने एक समय में जाने से। हा 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 एवडो मोटो एक समय नो पर्याय छे। ये पर्याय में सर्व जनाणु से तो सर्व ने जाणू तेने एक ने जाणू के आत्मा एवडो छे अने एक ने जाणू के आत्मा एक समय नी पर्याय बधा जाणे एवो एक ने एक ने जाने सर्व जाने से। ज्ञानी आवी स्पष्टता प्रवचन सार में बहुत करी। कितना तो कहने के ज्ञान नहीं एक महेंद्र हतो पंडित केम के वर्तमान में जेटू कई ज्ञान होना स्वरूप कृषि ज्ञान हो पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हो राधा बहु ये तो माने नहीं ये तो मोक्ष थाय छता न्याय थी पास अवतार धारण करे एवं कह भाई अवतार आप चतुर भाई लावता आम भगवान हा हा पूर्ण दिशा थाय मोक्ष में जाए फिर अवतार धारण करे भक्तों ने भीड़ पड़े मैकिंग भगवान की चिंता भगवान तने भगवान पूर्ण ज्ञान पाना विदराग थे। ये वही फरी ने अरे क्षायक संकेत थाय ते पड़े नहीं ક્ષાય સંકેત શું પણ અત્યારે આજે કે છે આની અંદર માં આડત્રી નહી એ પણ પડે નહીં સૂક્ષ્મ સંકેત ભલે હો પણ જેને આવા પંચમહારાના મહા દુષ્કાળ જેવા ભાવમાં જેને એ પ્રત્યે કહે છે કે તો કેવળ જ્ઞાન લીધે છૂટક્યું કેવો એ સમ્યક દર્શન અપ્રતિહત જોડણી ક્ષાયક ક્ષાયક વર્તમાનમાં હોય તો ઠીક પણ નહીં તરી સૂક્ષ્મ જ્ઞાન પણ એક પર્યાયમાં લોકા લોકને જાણે છે તો શુદ્ધ જ્ઞાનો આ અધિકાર આખા પૂર્ણનો છે પણ છતાં એમાંથી નીકળે છે ટીકામાં કાઢ્યું છે ટીકામાં કાઢ્યું છે જયારે તમે પૂર્ણ જાણે ત્યારે આપણે પૂર્ણ સો આત્મા પ્રેમ ઢોકા પૂર્ણ જાણે હું તો છદમસને છે નહીં તો છદમસને આત્મા નથી અને આત્મા નથી તો આત્માનું ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકે એને જો આત્મા ખ્યાલમાં ના આવે તો એનું ધ્યાન સીધે કરી શકે એ બાજુ વર્ણન કરીને ટીકામાં છે પૂર્વ સૂત્રે ભણિતમ સર્વોપરિ જ્ઞાને સતી આત્મજ્ઞાન ભવતી યદેવ તહી છદમસ્તાનામ સ્વરૂપરિ જ્ઞાન નાસ્તી છદમસને પૂર્ણ જ્ઞાન નથી તો આ પરિજ્ઞાન કથમ ભવિષ્યતિ તો આત્માનું જ્ઞાન એને કેમ થાય તમે તો કહો પૂરું જાણે તેને આત્મા કહીએ તો પૂરું જ્ઞાન છદમસને તો હોતું નથી આત્મ પરિજ્ઞાન અભાવે આત્મભાવના કથમ જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી આત્માની ભાવના અંતરમાં કેમ કરે આત્મભાવના ભાવતા જીવને કેવળ જ્ઞાન આવે છે ને શ્રીમદમાં આવે છે પણ એ આત્મા જેને ઓળખ્યો નથી જાણ્યો નથી તો એની ભાવના કરે છે તે એમ પ્રશ્ન છે કથમ હતી જે લોકાલોકાદી પર જ્ઞાન વ્યાપ્તિ જ્ઞાન રૂપેણમ પરોક્ષ પ્રમાણભૂત એમનું જાણીતી પરોક્ષ પ્રમાણથી ભાવસ્વરૂપ જ્ઞાન દ્વારા સર્વપદાર્થ જ્ઞાતી એક જીવ એક આત્મા ભલે છદમસ્ત હો પણ એ અંતરના સ્વભાવને સ્પર્શીને જ્ઞાન થયું
ये शुद्ध ज्ञान में इतनी ताकत के अवयवी जो बाकी केवल ज्ञान एनु केवल ज्ञान अवयवी एनु एने ज्ञान खाए अंदर ज्ञान केव हो ज्ञान नो विषय केवड़ो ये बधु ज्ञान थाय समझाणु कहे त्यारे ये आत्मा तर वड़ी मैंने केवल शक्ति जो सर्वज्ञ है एने आ आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव इतनी आत्मा आम पर्याय में जणावणू भाव थी शुद्ध ज्ञान भाव थी आ आत्मा से सर्वज्ञ स्वभाव से एम शुद्ध ज्ञान द्वारा जानी ने सर्वज्ञ स्वभाव भी आत्मा तेनु ध्यान करे एनु ध्यान करता सर्वज्ञ फिरसे जैसे अंदर हो सन्मा वीत देता व्याप्ति ज्ञान परोक्ष अकारणम केवल ज्ञान विषय ग्राहकम कथनचित आत्मे बनती आत्मा ने जनाय से आवड़ो अथवा स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा जनाय थी बीजो बोलू भगवान आत्मा स्व नाम अपना ज्ञान ने आनंद स्वरूप रहू स्ववेदन संवेदन स्व पोता आनंद ने ज्ञान न वेदन द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सी समझाणु कम कहता बीजा कोई दयादान व्यवहार मोक्ष मार्ग थी केवल थे ये बात निकली जाए समझाणु कहीं व्यवहार तो निश्चय ने प्रसिद्धि करे व्यवहार पोते प्रसिद्ध करते नहीं पोता ने व्यवहार आ आ आ आ एम प्रसिद्ध करे इतने व्यवहार थी था एम नहीं व्यवहार मोक्ष मार्ग कहो है तो उपचार थी कहो खरेखर व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं पर व्यवहार मोक्ष मार्ग है राग न कहू ई प्रसिद्धि करे व्यवहार थी प्रसिद्ध थाय निश्चय एम नहीं व्यवहार निश्चय ने प्रसिद्ध करे जणावे छे के आ निश्चय समझाणु पाप नहीं व्यवहार जे दयादान देवगुरु शासन श्रद्धा आदि त्रण बोलते ए पोते निश्चय ने प्राप्त न करावे पण निश्चय आवुं छे तेने व्यवहार जणावे निश्चय नी प्रसिद्धि करावे એટલે નિશ્ચયને પમાડે એમ નહીં આવી વાત મને નિશ્ચય જે સ્વરૂપ છે પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એના દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા બારનું જ્ઞાન કે જ્ઞાન પર કે શ્રદ્ધા નવ તત્વાદીની શ્રદ્ધા આમ તો નિશ્ચયથી તો શાસ્ત્ર જ્ઞાન ને પણ સર્વ શબ્દ જ્ઞાન કીધું છે શાસ્ત્ર જ્ઞાન એટલે શબ્દ જ્ઞાન પણ એ શાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં કયું જે છે એ શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે એનાથી નિશ્ચય જ્ઞાન ન થાય પણ એ શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે નિમિત્ત એ પ્રસિદ્ધ કરે છે ગંદર નથી અને અંદરમાં કેવું જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરતા સમજાણું કઈ હવે આવ્યું ને નવમી આત્મિક વ્યવહાર જણાવે છે એકરૂપ આત્મા છતાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા એટલું વ્યવહાર લીધો વ્યવહાર પણ એ દર્શન જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા એવો વ્યવહાર લીધો પણ એ વ્યવહાર સમજાવવા માટે અને આમાને પણ એ વ્યવહારથી નિશ્ચય શું છે એમ જણાવવા માટે નિશ્ચય પ્રાપ્ત થવા માટે નહીં અરે આવી વાત એ અહીં કે છે પોતાને જાણતો નથી તે સર્વને જાણતો નથી પોતાનું જ્ઞાન એ સર્વનું જ્ઞાન એકી સાથે જ હોય છે આ
આત્માનું જ્ઞાન અને સર્વનું જ્ઞાન તો એક સાથે જ હોય છે કે આત્મા પૂર્ણ પર્યાયમાં સર્વને જાણે તારી આત્મા પૂરો કહેવાય. આત્માને જાણે જાણે સર્વ જાણ્યું આવી ગયું. અને સર્વને જાણે તે આત્માને જાણે એ આવી ગયું એમ. પોતી અને સર્વ બે માંથી એકનું જ્ઞાન હોય અને બીજાનું ન હોય એ અસંભવિત છે. બહુ ટૂંકામાં હું સમજાવી દઉં. એટલે કે સર્વનું જ્ઞાન છે અને એકનું જ્ઞાન નથી એમ નહી. સર્વનું જ્ઞાન છે એ જ એકનું જ્ઞાન છે અને એકનું જ્ઞાન છે એ સર્વનું જ્ઞાન છે. એવડો જ આત્મા છે. એવડો ને એટલો આત્મા છે કે જે પર્યાયમાં પૂર્ણ ને જાણે એવો જ આત્મા છે. એટલે એ સ્વને જાણ્યું સર્વને જાણ્યું એને આત્મા આવડો છે એમ જણાયો. અને આત્મા જણાયો એમાં સર્વ છે જણાઈ ગયું અમારે આવી ગયું. સારી વાત છે. એમ કહીને અંદર વ્યવહારથી થાય એ ઉડાવી દીધી વાત. વાત સમજણું નિમિત્તથી નીચે થાય કે વ્યવહારથી નીચે થાય એ વાત સદમસને બતાવી છે ને અત્યારે પાંચ મારા જીવને કેવી છે ને. એને એમ કે છે તને જો આ શુદ્ધ જ્ઞાન અંતરથી થાય તો એ શુદ્ધ જ્ઞાનમાં બધું જણાય માટે સર્વને જાણ્યું તે તને જાણ્યું આવી ગયું તને. અને તને જાણ્યું તો તું એવડો છો એ તરણ તને જાણતા તું એવડો છો એક પર્યાયમાં બધું જણાય તને જાણતા એ જણાઈ ગયો. નહી આ બધું આકરું છે. હું અરે એ 48 અને 49 પણ એનો સરવાળો આવો કારણ કે સર્વ કોને જાણે કે કોણ કે આત્મા એને પણ આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ દેવાની છે. અને એકને જાણે તો સર્વને જાણે એ આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ દેવાની છે. આ કથન એક દેશ જ્ઞાનની અપેક્ષાથી નથી શુદ્ધ જ્ઞાનથી નથી. વાત છે સર્વ દેશથી પણ એમાંથી તાત્પર કાઢવું હોય તો આ નીકળાય છે ટીકામાં છે. પરંતુ પૂર્ણ જ્ઞાનની કેવળ જ્ઞાનની અપેક્ષાથી થાય. એનું પૂરું રૂપ જ એટલું છે. ભગવાન આત્માનું પૂર્ણ રૂપ જ એટલું છે કે જે લોકાલોકને જાણે એટલું એ પૂરું રૂપ જ એટલું છે. અને એ પૂરણ રૂપ છે એ જ આત્મા છે. પૂર્ણ રૂપને જાણ્યું એ આત્માને જાણ્યું અને આત્માને જાણ્યું તો આત્મા પૂર્ણ રૂપપણે છે જ્ઞાનમાં. એટલે એકને જાણ્યું તો પૂર્ણ રૂપને પણ જાણ્યું. ના કાઢી અંદર છે તો આ છે ને કેવું જ્ઞાન સમજાવી નહીં કેવું નહીં કહ્યું ને અંદર એ પણ કહ્યું સમજો. આ શીશા આત્મ પરિજ્ઞાને સતી સર્વ પરિજ્ઞાનમ ભવતી ઇતિ વ્યાખ્યાનમ કહા તત્ર તો પૂર્વ સૂત્રે ભણિતમ સર્વ પરિજ્ઞાને સતી આત્મમ ભવતી યદેવ તહી સદમસ્તાનામ સર્વ પરિજ્ઞાનમ નાસ્તી. સદમને તો પરિજ્ઞાન પૂર્ણ છે નહીં અને તમે વાત કોની વાત કરો છો સમજાય છે કાંઈ. પર્યારા પરોક્ષ પ્રમાણ ભૂત શ્રુત જ્ઞાને નમ સર્વ પદાર્થ જ્ઞાયતી. સંસ્કૃત છે શેનું સંસ્કૃત છે? હા એ તો સંસ્કૃતિ કરોડો શ્લોક વંચાઈ ગયા છે ને હમણાં વગર પીણી. એ તો ગુજરાતી વાંચે સંસ્કૃત વાંચે. મોક્ષ પરોક્ષ પ્રમાણભૂત શ્રુત જ્ઞાન એનું
અને એ તો કહ્યું હતું ને જય જય ધોરણમાં એ છે કે પ્રભુ શુદ્ધ જ્ઞાન છે તો એ કેવળ જ્ઞાન અવયવ એટલે પૂરું, અવયવી કેવળ જ્ઞાન પૂરું અને શુદ્ધ જ્ઞાન એ પૂરાનો એક અવયવ છે, એ અવયવી પૂરું નથી. સમજાય છે? કઈ જય ધોરણમાં છે તો અવયવી નથી ને અવયવીનો અંશ છે, એ અંશ અવયવીને કેમ જાણી શકે? ભાઈ એક થંભની એક ભાગાનો દેખે તો આખો થાંભલો દેખ્યો નહીં, એમ એક અંશ સમ્યક જ્ઞાનને જોયું જાણ્યું, એને સારા કેવળ જ્ઞાનને જાણ્યું, પર્યાયના જ્ઞાન એનું આવી ગયું, કેવળ જ્ઞાનનું જ્ઞાન આવી ગયું. કેવળ જ્ઞાનનું જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાનમાં આવી ગયું, જ્ઞાન પ્રગટ્યું નથી પણ આવી ગયું એના જ્ઞાન. એવી વાતો છે. આવો ધર્મ ક્યાંથી કાઢ્યું કે મારા હે ઉતાવળ ક્યાં છે? ઉતાવળ છે જ નહીં, ક્રમબદ્ધમાં રાખે એમ છે. એ તો જાણે છે ક્રમબદ્ધમાં અકર્તા પણ છે, અકર્તાપણાનો સિદ્ધાંત મોટા દ્રષ્ટા છે. એટલે જે આ ક્રમબદ્ધ ને આ ભાવ આવે ખ્યાલમાં એને વિતરાગતા પ્રગટ કરવી છે, વિતરાગતા પ્રગટ કરવી છે. વિતરાગતા વિતરાગ સ્વરૂપ આત્મા છે તેને અસર થાય છે, એટલે સરવાળો તો ત્યાં જાય છે. બારે અંગ ને ચારે અનયોગ નો સરવાળો આ છે. તો એ રીતે ગાથા 49 નો સ્વાધ્યાય પૂરો થયો. એના ઉપર પછી ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો અને મૂળ ગાથા પછી ભાવાર્થની પછી એ વાત પણ આવી 48મી અને 19મી 49મી ગાથામાં શું છે અને એ પણ પૂજ્ય ગુરુદેવે બહુ સ્પષ્ટ કર્યું. તો આજના સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. Thank you.